रियलमी 3 प्रो के इतने सारे रूमर्स, अपने मन से कुछ भी नाम बना लो, जो जबकि रियलमी ने जो है या फिर रियलमी के जो सीईओ ने है नाम अभी तक कंफर्म नहीं किया है। हो सकता है कुछ वो अलग सीरीज हो सकता है जो रियलमी 2 प्रो 2 और यह चल रहा है वो अलग सीरीज हो। मतलब अपने मन से कुछ ही मत बनाओ यार। तो देखते हैं यहाँ पर जो है क्या नाम आने वाला है, यहाँ पर जो है रियलमी के नए प्रोडक्ट का और यहाँ पर जो है ओप्पो का K1 जो लॉन्च हुआ है चाइना में, इन दोनों में जो है क्या डिफरेंस हो सकता है वो देखते हैं हम इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय आपका स्वागत करता हूँ आपके चैनल न्यू गैजेट्स यूज में। आज हम लेके आए हैं ओप्पो के K1 और जो रियलमी का एक लेटेस्ट प्रोडक्ट लॉन्च होने वाला है, उन दोनों फोन के बीच में कंपैरिजन, और देखते हैं कि यहाँ पर जो है क्या डिफरेंस हो सकता है। जो चाइना में लॉन्च हुआ है ओप्पो का K1 और इंडिया में लॉन्च होने वाला है ओप्पो का, तो लॉन्च होगा ही, साथ में लॉन्च होगा रियलमी का प्रोडक्ट, क्योंकि सेम होता है, कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। तो यहां पर हम करने वाले हैं इन दोनों फोन के बीच में कंपैरिजन, देखते हैं कि आपको क्या रोकना चाहिए, रियलमी 3 प्रो या फिर जो है दूसरा नाम हो सकता है, क्या उसके लिए रुकना चाहिए या फिर जो है नहीं, तो करते हैं इस वीडियो में बात। इसके अलावा अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन पे क्लिक करके जल्दी सब्सक्राइब कर लो यार, साथ में बेल आइकन पे क्लिक कर लेना, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियोस का अपडेट देखने को मिल जाएंगे। तो करते हैं यहाँ पर कंपैरिजन। तो देखो यार, बात कुछ ऐसी है, अगर कोई Realme प्रोडक्ट लॉन्च करेगा तो जरूर Realme 2 Pro से अपडेट होगा, लेकिन वो यहाँ पर बोल रहे हैं कि वो यहाँ पर Realme 2 Pro का सक्सेसर नहीं होगा। वो बोल रहे हैं कि यहाँ पर ये अलग ही अपने प्राइस सेगमेंट में जो है कुछ डिफरेंट प्रोडक्ट होगा, कुछ यहाँ पर गेम चेंजर होगा Realme के लिए। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं जो कि है ओप्पो का K1, वही हो सकता है यहाँ पर Realme का नया प्रोडक्ट, जिसका नाम Realme 3 Pro नहीं हो सकता, मैं डेफिनेटली बोल सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो है वो हो सकता है कि नाम चेंज करे, क्योंकि उन्होंने ऐसा बोला है कि ये गेम चेंजर होगा, तो हो सकता है कि वो कोई सीरीज ही अलग बनाए, जैसे कि उन्होंने जो है मास सेगमेंट में जो है Realme C1 लॉन्च किया था सी सीरीज के नाम से, हो सकता है कि वो जो है अलग कोई सीरीज लॉन्च कर दे। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं ओप्पो के K1 की प्रोडक्ट की यहाँ पर स्पेसिफिकेशन की, जो कि आपको 6.4 इंच का आपको डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा, जो कि वही सेम आपको जो है यहाँ पर Realme के न्यू प्रोडक्ट में भी देखने को मिलेगा, जो कि है सुपर AMOLED यहां पर वाटर ड्रॉप नॉच के साथ में, कुछ इस तरीके का डिजाइन जो कि ओप्पो F9 Pro की जैसा ही है। बैक साइड डिजाइन आप देख सकते हैं यहां पर जो है बैक डिजाइन जो है सेम लगभग ओप्पो F9 Pro जैसा ही लग रहा है, सिर्फ कलर शेड का यहाँ पर डिफरेंस है। यहाँ पर फ्रंट साइड देखते हैं तो आपको मिलेगा वाटर ड्रॉप वाला नॉच एंड यहाँ पर आपको मिलेगा सुपर एमोलेड डिस्प्ले। सुपर एमोलेड डिस्प्ले इसलिए दिया है क्योंकि यहाँ पर आपको मिलेगा इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, जो कि आपको रियलमी के न्यू प्रोडक्ट में भी देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो है डिस्प्ले और डिजाइन की तो ये थी बात, जो कि यहाँ पर कुछ आपको इस तरीके का डिजाइन जो है देखने को मिल जाएगा, जो कि होगा 19.5:9 के साथ में फुल HD+ रेजोल्यूशन, जो कि सपोर्ट करता है 1080x2340 पिक्सल। तो यहाँ पर जो है डिज़ाइन और डिस्प्ले की तो हमने बात ही कर ही ली है, लेकिन यार कैमरा बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए, क्योंकि ओप्पो का K1 लॉन्च होता है अब इंडिया में, तो वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। Realme का न्यू प्रोडक्ट लॉन्च होगा तो वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि ये दोनों प्रोडक्ट सेम ही होने वाले हैं। तो यहाँ पर जो है आपको बैक कैमरा मिलेगा, वो होगा 16MP+2MP का जो है बैक ड्यूअल रियर कैमरा, जहाँ पर आपको एक अच्छी क्वालिटी देखने को मिल सकती है, जो कि ओप्पो F9 Pro में हमें जो है इतना अच्छा प्रोडक्ट हमें जो है देखने को मिला था, क्योंकि यार ये बेसिकली ओप्पो वाले जो है कैमरा पे ज्यादा खेलते हैं, तो यार कैमरा तो इनका रियल में ही काफी अच्छा होता है। और बात करते हैं फ्रंट कैमरे की, तो यार सेल्फी और हम सब कैप्चर करते ही हैं, हम सबके लिए फेवरेट है ये सेल्फी, तो यार आपको मिलेगा 25 मेगापिक्सल का आपको जो है फ्रंट कैमरा देखने को मिलेगा, जो कि रियलमी के नए प्रोडक्ट में भी और ओप्पो के K1 में भी। तो यहाँ पर जो है इन दोनों का कैमरा भी सेम होने वाला है, डिज़ाइन भी सेम होने वाला है। डिज़ाइन में सिर्फ यहाँ पर जो है बैक में आप देख रहे हैं ओप्पो लिखा हुआ, सिर्फ वहाँ पर जो है रियलमी आपको देखने को मिल जाएगा रियलमी के प्रोडक्ट में। इसके अलावा कोई डिफरेंसेस आपको जो है डिज़ाइन में देखने को नहीं मिलेगा। हो सकता है कि कलर कोई चेंज कर दें तो वो अलग बात है, लेकिन डिज़ाइन में जो है इसी तरीके का आपको जो है कैमरा मिलेगा हॉरिजॉन्टल, एंड इसके अलावा डिज़ाइन भी जो है आपको कुछ इस तरीके का ग्लोसी फिनिशिंग में देखने को मिल जाएगा। बात करते हैं यहाँ पे परफॉर्मेंस की, सबसे मेन चीज़ है यहाँ पे परफॉर्मेंस, जो कि यहाँ पर रियलमी के सीईओ ने जो माधव सेठ हैं उन्होंने यहाँ पर ट्वीट किया था, जो कि हेलियो P70 जो कि चिपसेट लाने वाले हैं अपने रियलमी के नए वाले प्रोडक्ट के साथ में, तो मतलब चिपसेट तो बिल्कुल ही डिफरेंट होने वाला है, क्योंकि जो ओप्पो का K1 है वहां पर लॉन्च हुआ है चाइना के साथ में, जिसका जो प्राइस है ऑलमोस्ट 17-18,000 रुपीज, जिसका बेस वेरिएंट है वहां पर चिपसेट यूज किया गया है स्नैपड्रैगन 660। तो यार अगर इंडिया में आता है तो भी स्नैपड्रैगन 660 साथ में आएगा वो, लेकिन यहां पर रियलमी ने जो है कुछ चेंज करके जो कि हेलियो का P70 चिपसेट दे दिया है,
जहाँ पर परफॉर्मेंस जो है काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। अब जब दोनों फ़ोन साथ में होंगे तभी हम आपको कंपेरिजन करके बता पाएंगे कि स्नैपड्रैगन 660 बेटर है या फिर हेलियो P70 बेटर है। लेकिन यहाँ पर बताया जा रहा है कि P60 जो है वो काफ़ी अच्छा चिपसेट था, उससे भी पावरफुल चिपसेट है आपका P70, जहाँ पर आपको GPU परफॉर्मेंस अच्छा मिलेगा एंड कोई लैगिंग इशू आपको जो है देखने को नहीं मिलेगा कंपेरिजन हेलियो P60 के। तो देखेंगे यहाँ पर जब हमारे पास फोन अवेलेबल होंगे दोनों P70 वाले या फिर जो है यहाँ पर स्नैपड्रैगन 60 दोनों जब साथ साथ में अवेलेबल होंगे। एंड इसके अलावा बात करते हैं कुछ सेंसर्स की, तो वही सेंसर आपको जो है देखने को मिल जाएंगे जो कि होगा एक्सेलेरोमीटर सेंसर, जीरो सेंसर, कंपास सेंसर, फिंगरप्रिंट सेंसर इन डिस्प्ले के अंदर आपको मिलेगा जो कि हमें ओप्पो वीवो ऑलरेडी दे चुके हैं ओप्पो K1 में और वीवो के यहाँ पर जो है इंडिया में लॉन्च हो चुका है वीवो V11 प्रो, जहाँ पर आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है जिसका परफॉर्मेंस जो है अच्छा देखने को मिल जाता है हमें। एंड बात करते हैं बैटरी की, तो बैटरी आपको मिलेगी इसमें 3600 mAh की बैटरी जो कि हो सकती है यहाँ पर आपके लिए काफ़ी अच्छी बैटरी, क्योंकि यहाँ पर डिस्प्ले यूज़ किया गया है वो है सुपर एमोलेड डिस्प्ले। सुपर एमोलेड का परफॉर्मेंस तो जो है काफ़ी अच्छा देखने को मिलता ही है स्टार्टिंग से, क्योंकि सैमसंग के फ़ोन्स में हम जो है बहुत सारा परफॉर्मेंस देख चुके हैं सुपर एमोलेड के साथ में, तो अब सैमसंग जो है अपनी डिस्प्ले भी जो है दूसरों को बेच रहा है। तो ये था आज के वीडियो में, यहाँ पर हमने डिफरेंसेस की बात करी, तो सिर्फ आपको जो है प्रोडक्ट जो है बिल्कुल सेम देखने को मिलेगा ओप्पो का K1 जो कि रियलमी का एक नया प्रोडक्ट होगा। नाम अभी तक कन्फर्म नहीं है कि वो रियलमी 3 प्रो होने वाला है या कोई नई सीरीज होने वाली है, वो पता लगेगा जब लॉन्च होगा नवंबर के महीने में। यहाँ पर जो है अभी लीक्स के अकॉर्डिंग सिर्फ डिफरेंस है यहाँ पर चिपसेट का जो कि यूज़ किया जाएगा हेलियो का P70, जहाँ पर आपको CPU और GPU दोनों में ही डिफरेंस देखने को मिलेगा जो कि कंपेयर करते हैं स्नैपड्रैगन 660 से। तो बस ये था आज की वीडियो में, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक कीजिएगा इस वीडियो को, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स साथ में, रिलेटिव साथ में, और कमेंट कीजिएगा आपके क्या मानना है इन दोनों फोन के बारे में, क्या आप वेट कर रहे हैं ओप्पो K1 का या फिर जो है रियलमी के नए वाले प्रोडक्ट का, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। इसके अलावा अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी सब्सक्राइब कर लो यार, आपकी फोन स्क्रीन पे जो है न्यू गैजेट्स का आइकन देखने को मिल जाएगा जिसपे क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ में आप बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट्स देखने को मिल जाएंगे। तो इतना ही था आज की वीडियो में, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, मिलते हैं ऐसे किसी अगले वीडियो में।